अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 है मेरे असाइनमेंट में, और हर बार की तरह आपके बुक में कौन सा है वो देख लोगे। इनफैक्ट 2013 में एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहता है असगर चमन एंड ढोलू, तो ए सी डी, नाम भी देखो कैसे कैसे रखे हैं इसने, असगर चमन और ढोलू, ए सी डी। कहता है ए सी डी आर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल स्टूड 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। कैपिटल बता दिया इनका 6 लाख, 4 लाख और 6, 5 और 4। ठीक है, 6, 5, 4 ऑन 1 अप्रैल। तो आपको पता ही है कि ये 1 अप्रैल बता दिया तो ओपनिंग कैपिटल है ना। द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शनेट 432। पीएसआर भी दे दिया, पीएसआर अब तो समझ में आ गया होगा, 4, 2, 3, 4, 2, 3। पार्टनर आर एंटाइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू। कहता है पार्टनर जितने भी है इसको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चमन को मिलेगा सैलरी और ढोलू को मिलेगा सैलरी। चमन एंड ढोलू ₹7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो 7,000 के हिसाब से चमन को 84,000 और 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 40,000। इसको क्या है ये बताओ, सैलरी। आगे कहता है एज पर द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ढोलू का शेयर प्रॉफिट होगा यानी इसकी बात कर रहा है, इसका जो शेयर प्रॉफिट होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देखना बट इंक्लूडिंग सैलरी, गारंटीड मिनिमम 1,10,000। बोलता है भाई ढोलू तुझे 1,10,000 तो कम से कम मिलेंगे, लेकिन जो 1,10,000 होगा क्या होगा, जो लास्ट में नेट प्रॉफिट मिलता था वो, और प्लस में क्या, प्लस में कहता है एक्सक्लूड, इंक्लूड क्या करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस आईओसी। यानी अब मैंने ढोलू को बोला ढोलू भाई तुझे 1,10,000 मिलेंगे, लेकिन ये बात याद रखना है कि 1,10,000 कैसे, जो हम फाइनल प्रॉफिट निकालते थे लास्ट में सिर्फ उसमें से 1/10 नहीं मिलने वाले तुम्हें, अब सैलरी भी है इंटरेस्ट भी है, तो सब कुछ काट पिटा के हम टोटल बताते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और आगे लेके चलूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग अकाउंट शैल बी बोर्न बाय असगर, और कुछ भी कमी आती है तो भाई ये जिम्मेदार होगा, यानी गारंटी इसने दिया है। और नेट प्रॉफिट देता है हमारा 4 लाख, नेट प्रॉफिट दिया इसने कितने का, 4,24,000, 4,24,000। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं, किस किस का, अजगर चमन ढोलू, तो कितने परसेंट, 8%, तो 6 लाख पे 8% 48,000, 5 लाख पे 8% 40,000, 4 लाख पे 8% 32,000। सीधा सीधा निकाल दिया, इतने तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो परसेंटेज निकाल लेना, कई बार होता है ना कि हमें कंफ्यूज हो गए, तो परसेंटेज निकाल लेना 1:20। ठीक है, सैलरी, सैलरी किस किस को मिलेगा, चमन और ढोलू को। चमन को 84,000 कैसे निकाला पता, 84,000 7,000 इंटू में 12 है ना, और इसका कैसे निकाला, 10,000 था क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर, 4। तो कुछ टाइम उस टाइम बच्चों को समझ नहीं आएगा तो मैंने कर दिया भाई ये। एक लाख 24,000। ठीक है, तो एक 24, तो अब 1:24 के अंदर 4:24, अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे हम, इस प्रॉफिट की बात करते हैं, जो लिखता हूं ना मैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल,
तो सिर्फ इसमें से एक दस नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये जो मिला मिला, और जोड़कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना, इंक्लूडिंग है ना, एक बार फिर से देखो क्या कहता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। ओ हो, गलत पढ़ लिया था, देखो सैलरी जोड़कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट बांट लेते, तो 4 24 आपको पता है यहां पे आएगा, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है ये गारंटी के तो। और जब हमें एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो वो, हाँ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन अलग अलग बुक के अलग अलग तरीके से, अब कुछ अपने कंटेंट डाल के करवाऊंगा, जब पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी मिला के करवाऊंगा ना, तब बड़ा मजा आएगा हमें। तो 4,24,000 माइनस में 1,20,000 माइनस 1,24, तो हमारे पास बचा कितना, 1,80। रेशियो है हमारा 4:2:3, 4:2:3 के हिसाब से 6 और 3 9, 4 इसके हिस्से में 80 आया, ए के हिस्से में, सी के हिस्से, डी, 3 ही है ना, इसके हिस्से में 80 आ गया, 2 40 आया, 3 60 आया। अब बताओ गारंटी किसको दिया गया था। ध्यान से देखना सर, गारंटी ढोलू को दिया गया था, कितना, 1:10। तो ये वाला 1:10 नहीं, बोला गया भाई नेट प्रॉफिट 1:10, कैसे भाई, 60,000 तो मिले ना तुझे, और इसमें और जोड़ ले तू, क्या जोड़ ले भाई, और सैलरी को ऐड कर ले, इंक्लूडिंग का मतलब जोड़ कर, एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको मत ऐड करना, तो और सैलरी जोड़ ले, सैलरी कितना है भाई तेरा, सैलरी कितना है भाई, सैलरी कितना है ढोलू भाई, सैलरी 40,000। तो कितने मिल गए इसको, 1,00,000 देखा जाए तो टोटल देखने के लिए 60 है, लेकिन ढोलू को देखा जाए तो 1,00,000 रुपए मिल रहा है रूल के हिसाब से, टोटल कितने मिले, 1, जबकि गारंटी 1:10 का मिला था, तो कितने डेफिशिएंसी अराइज हो गया बताओ, सच सच बताओ। फिर दोबारा देखो आप, मैंने ढोलू को गारंटी दिया, बोला भाई जो प्रॉफिट और प्लस में सैलरी मिला के तुझे 1:10 से कम नहीं मिलेंगे, लेकिन ढोलू को जब मैंने चेक किया तो प्रॉफिट और सैलरी मिला के कितना बन रहा है, सिर्फ 1,00,000 ही बन पा रहा है, तो यानी 10 कम पड़ गए, कौन बियर करेगा भाई, ए, तो ए में से 10 माइनस और इसमें 10 प्लस, तो इसका हिस्से में आया 70। बी बेचारा तो चुप है, इसने तो गारंटी दी है ना, और इसको मिले 70। तब बताओ डी की गारंटी, ढोलू की गारंटी 70,000 है या 1:10 हो गए पूरे, दिख 70 रहा है, लेकिन इसमें सैलरी भी तो जोड़ो, तो पूरे हो गए ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा ट्रिक था इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है ना, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ाई अच्छे से करना, एक एक क्वेश्चन करना है आपने। और मैं बोलता हूं कि भाई आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, डाउट पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, आपको कोई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है इसमें, तो बस आप कर सकते हैं, बाकी जिसकी इच्छा हो ठीक है, नहीं तो देखो मेरा काम है कि मैं दूर दूर तक जो मेरे पास नॉलेज है बस मैं वो प्रोवाइड कर पाऊं बच्चों को, वेदर मैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कैसे भी कर पाऊं, जितना मैं सक्षम हूं वो कार्य बस मैं करना चाहता हूं। इसके बाद हम 60 करेंगे और 61, इसको नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है।